तो मैं कह रही हूं कि हसन इसी बात पे अपसेट हो गया था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें उसे वापस भेजने की जरूरत ही क्या थी। रहने देते, खुद ही हैंडल कर लेता वो सिचुएशन को। मैंने आपको बताया था ना कि उसका किसी क्लास फेलो के साथ झगड़ा हो गया था, मजीद किसी सीनियर के साथ उलझ जाता फिर। कि तुम उसके भाई हो, तुम वहां थे, यू कुड हैव हैंडल द सिचुएशन। तुम उसे समझाते, वो समझ जाता। और आपको लगता है कि आपका प्यारा बेटा प्यार की जबान समझता है? तुम दोनों ने क्या नया स्टार्ट किया है? आपका बेटा, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो अच्छा और अच्छा मैं तुम दोनों को मैं डिफेंड बात करूंगी। करता हूँ। हादी, ऑलराइट। अच्छा, यस। अरे क्या बात है भाई, क्या चल रहा है, क्यों लज रहे हो? कुछ नहीं डैड, ऐसे ही। अच्छा, आई एम सॉरी। और मैं हसन से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। ऐसे ही बात तो हम जानते हैं कि हादी कभी गलत बात नहीं करता, तो फिर क्या चल रहा था? हाँ कुछ नहीं चल रहा डैड, नॉट अ बिग डील। मैंने आपको बताया था ना, ओरिएंटेशन पे इन दोनों के आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी। लेकिन आप ही ना प्लीज हसन से बात कीजिएगा, उससे पूछिए आखिर ये कौन क्लास फेलो है, किससे झगड़ा हो गया कि पहले दिन ही मेरा बच्चा अपसेट हो गया। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई होगी किसी का, फिर भी मैं देख लूंगा। तुम रिलैक्स करो और ये बताओ कि डिनर का क्या प्लान है। जस्ट गॉट होम, प्लान तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सॉरी। तुम अभी तक सोई नहीं, खैरियत? सो नहीं जा रही थी, तुम्हें यहां देखा तो चली आई। ओके। हादी, मैंने तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। इतनी रात को ये बाहर क्या कर रहे हैं? तुमसे अंकल आंटी ने शादी के बारे में बात नहीं की? उनकी शादी को गुजरे कितने साल हो गए, वो भला ये बात क्यों करेंगे? हादी, मैं उनकी नहीं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। ओके। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो हादी, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मामा यहाँ पे क्यों आई हैं और क्या सोच रहे हैं। देखो एमा, मैं चाहता हूं कि अभी हमारी सारी कंसंट्रेशन हमारी स्टडीज पे हो। किसी रिलेशनशिप में बनकर क्यों ऑकवर्ड फील करें? तुम साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं कि अभी अपना सारा फोकस अपने करियर पे रखो, बाकी ये सारी चीजें तो फ्यूचर में होती रहेंगी। तुम मुझे इनकार कर रहे हो? नहीं, ना मैं इनकार कर रहा हूं और ना ही इकरार, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा वक्त दो। ओके। आयमा इतनी परेशान क्यों लग रही है? ऐसा क्या कह दिया हादी ने?